आमतौर पर बैंडबाजों के साथ घोड़ी पर दूल्हे को बैठकर दुल्हन के घर जाते हुए आप देखते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुल्हन खुद घोड़ी पर सवार होकर बैंडबाजों के साथ नाचते हुए दूल्हे के घर पहुंच गई। दुल्हन के साथ उसके परिवार और रिश्तेदार वाले भी थे जो बैंडबाजों की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। रतलाम में यह दुल्हन घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर जाने की यह शादी श्रीमाली ब्राह्मण समाज के व्यास परिवार में हुई। श्रीमाली समाज में एक अनूठी परंपरा है, दुल्हन शादी के एक दिन पहले दूल्हे के घर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंचती है और दूल्हे को शादी के लिए आमंत्रित करती है, और वह जिस घोड़ी पर बैठकर दुल्हन पहुंचती है उस घोड़ी को दूल्हे के घर ही छोड़ आती है। इसी घोड़ी पर बैठकर दूल्हा दुल्हन से शादी करने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। रतलाम के श्रीमाली वास निवासी आयुषी MBA की शादी कल है। वह अपने समाज की लुप्त हो रही इस परंपरा को पुनः जीवित करने के उद्देश्य को लेकर सज धज कर घोड़ी पर बैठी और बैंड बाजों वालों के साथ परिवार जनों को लेकर नाचते हुए दूल्हे के यहाँ पहुँची। टीम भारती न्यूज। हमारे यहाँ पे श्रीमाली ब्राह्मण समाज में रिवाज है कि दुल्हन जिस घोड़ी पे दूल्हे को इनवाइट पूरी बारात के साथ इनवाइट करने जाती है उसी घोड़ी पे दूल्हा बैठ के बारात लेके आता है। तो ये हमारे समाज की परंपरा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, बट अभी वो परंपरा काफ़ी बंद हो चुकी है, सब अपने संस्कार रीति रिवाज भूल चुके हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उस संस्कार रीति रिवाज और हमारे कल्चर को वापस लाया जाए और सबको। हाँ बताइए। घोड़ी पे बैठे हैं आप, इसके पहले कभी बैठे थे इस तरह से घोड़ी पे या घोड़े पे? नहीं। कैसा एंजॉयमेंट किया आपने? थोड़ा सा डर लगा फिर एंजॉय किया, डांस भी किया आपने? हाँ। काल से परंपरा चली आ रही थी, श्री कृष्ण युग से चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेके आए थे, उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर जब बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के हिसाब से हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज का ये परंपरा को आगे बढ़ाने की नई पहल की है। हमारी बिटिया ने भी इसके लिए हमें सहमति दी और इस परंपरा को आगे और भी ब्राह्मण समाज निभाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दुल्हन घोड़ी पर नहीं बैठती है, दूल्हा ही बैठ के आता है, लेकिन हमारी समाज के अंदर ये परंपरा थी कि दुल्हन शादी के एक रोज पहले दूल्हे को इनवाइट करने के लिए घोड़ी पे बैठ के जाती थी और फिर दूल्हा उसके ऊपर बैठकर तोरण मारने के लिए दुल्हन के द्वार पे आता था। अच्छा, जैसे अभी यहाँ दूल्हे के घर आ गए हैं आप लोग, उसके बाद क्या क्या रस्म निभाई जाएगी? अभी दुल्हन के परिवार, दुल्हन की माता, बुआ, बहन, जो भी सीनियर सिटीजन है, वो दुल्हन को साड़ी, कपड़े, गहने दे के उसकी मंगल कामना आशीर्वाद देते हैं कि उसका जीवन उज्ज्वल हो, मंगलमय हो और आगे सारे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, आशीर्वाद देते हैं सभी बुजुर्ग लोग। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही, जिसे आड़ नोरा कह बोलते हैं हमारे, इसमें दुल्हन की जाती। बाकी क्या है कि धीरे धीरे लोग कार में, टैक्सी में, इसमें बैठ के आने लगे और ये परंपरा खत्म होने लगी। Subscribe now to most exciting channel ever.